अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरी जोरदार बहस हुई। एक तरफ जहां हिलेरी ने ट्रंप को सेक्स टेप मामले पर घेरा, तो वहीं ट्रंप ने हिलेरी पर ईमेल अकाउंट के जरिए निशाना साधा। 90 मिनट तक चली इस बहस में दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। सेक्स टेप मामले में घिरे ट्रंप ने अपनी सफाई में कहा कि वह एक बंद कमरे में हुई बातचीत थी, मैंने जो कहा मैं उसे लेकर शर्मिंदा हूं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि वह महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाएं भी उनका सम्मान करती हैं। डिबेट में हिलेरी ने भी माना कि बतौर विदेश मंत्री होने के नाते निजी ईमेल अकाउंट इस्तेमाल करना उनकी गलती थी, तो वही ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति चुनते ही वह हिलेरी के ईमेल्स की जांच कराएंगे और जेल भेजेंगे। ट्रंप ने हिलेरी के पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर बलात्कार और यौन शोषण के भी आरोप लगाए। इसके साथ ही ट्रंप ने राष्ट्रपति बराक ओबामा की योजनाओं को डिजास्टर करार दिया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तीन में से इस दूसरी बहस में दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिसमें अब जनता को देखना है कि दोनों में से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने योग्य कौन है। देखते रहिए टीवी लाइव।